नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पैगंबर मोहम्मद साहब की कितनी बीवियां थी, उन्होंने कई महिलाओं से विवाह क्यों किया था, आपके लिए हमारे लिए ये सामान्य प्रश्न हो सकते हैं जो आपकी जिज्ञासा से जन्मे हों, और आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए इन सवालों के जवाब चाहते होंगे। पाकिस्तान में भी ऐसी एक जिज्ञासु लड़की ने यह सवाल पूछ लिया तो वहां बवाल हो गया है। लड़की का नाम है अनिला एहसान। अनिला ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर सवाल उठाकर गुस्ताखी कर दी है और वहां के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। क्या पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा कोई सवाल पूछना गुनाह है? क्या उनकी शान में गुस्ताखी है या उनका अपमान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब से तो पैगंबर साहब के बारे में लोगों के बीच जानकारी बढ़ेगी और उनके बारे में लोग और ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन कट्टरपंथियों को कोई मुद्दा तो चाहिए, इसलिए इस सवाल को भी उन्होंने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी मान लिया है और लड़की को फांसी देने की मांग कर दी है। कट्टरपंथियों के मुताबिक अनिला ने ईश निंदा की है और उसे इस्लामिक कानून के तहत सजा मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तान में अब ट्विटर पर लोग अनिला की गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रहे हैं और इससे जुड़ा हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। दरअसल अनिला ने ट्वीट के जरिए यह पूछा था कि पैगंबर ने खदीजा के अलावा 18 महिलाओं से निकाह क्यों किया था। अनिला को इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, उसके लिए बैठे बिठाए मुसीबत जरूर खड़ी हो गई। लोगों ने इसी सवाल के साथ प्रधानमंत्री इमरान खान को टैग करते हुए अनिला को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की मांग कर डाली है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे ट्रायल के बाद मौत के घाट उतार दिया जाए। दरअसल किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में ईश निंदा की सजा मौत होती है, साथ ही नबी के अपमान को निंदा के सबसे खराब रूपों में से एक माना जाता है। इसलिए लोग अनिला के बयान को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी ईश निंदा के लिए बड़ी सजा है, जहां उस पर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा चलता है तो फांसी भी हो सकती है। खतरा सिर्फ अनिला के लिए नहीं है, जो उसका समर्थन करेंगे उनको भी इसका दोषी माना जाएगा और उसे भी सजा हो सकती है। वैसे अनिला ने यह सवाल पूछकर मौत को आमंत्रण दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के आगे झुकना सरकार की मजबूरी है, वरना सरकार पर भी आफत आ सकती है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून को खत्म करने की पैरवी करने वाले सलमान तासीर की हत्या कर दी गई थी और हत्यारे को यहां नायक के तौर पर सम्मानित किया गया था। वैसे भारत में भी चेन्नई के एक शख्स ने ऐसे ही पैगंबर साहब पर फेसबुक पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें साइबर पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत में पेश कर दिया था, जहां से रंगास्वामी नाम के शख्स को निचली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने यह कहते हुए उसे जमानत दे दी थी कि किसी व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर की गई धार्मिक विषयों पर टिप्पणी और ईश निंदा के बीच फर्क होता है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने रंगास्वामी की ओर से की गई फेसबुक पोस्ट की समीक्षा करने के बाद कहा था कि जमानत मांगने वाले ने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार के बारे में अपनी समझ के अनुसार प्रासंगिक इतिहास पढ़ने के बाद ही लिखा है, इसलिए वे शर्त पर जमानत के हकदार है कि वे जांच में सहयोग करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने रंगास्वामी को जमानत दे दी थी। वैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपको भी थोड़ा जान लेना चाहिए। वे इस्लाम के सबसे प्रमुख लोगों में से एक हैं। बताया जाता है कि उनके पिता की मौत उनके जन्म के पहले ही हो गई थी। इसके बाद उनका शुरुआती 5 सालों तक पालन पोषण बेदू जनजाति के लोगों ने किया था। जब वे अपनी माँ के पास मक्का आए तो 1 ही साल के अंदर वे भी चल बसी। 6 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। दमस्क में वे एक ऊंट की देखभाल करने वाले लड़के के तौर पर काम करते थे। हदीस के मुताबिक माना जाता रहा है कि खदीजा से पैगंबर मोहम्मद की शादी के फैसले में विधवा विवाह और बड़ी उम्र की महिला से शादी की जा सकती है, ये संदेश छिपा हुआ था। जबकि कम लोग ही जानते हैं कि पहली शादी उन्होंने प्यार के लिए की थी। जब पैगंबर मोहम्मद ने 40 साल की विधवा से शादी की तब उनकी उम्र 25 साल थी। उन्होंने आगे बढ़कर शादी का प्रस्ताव रखा था। कई विद्वान मानते हैं कि खदीजा एक अमीर विधवा थी, लेकिन शुरुआती साक्ष्य बताते हैं कि आपसी प्रेम और सम्मान के चलते ये शादी की गई थी। अपने बाद के जीवन में की गई 9 शादियों में से ज्यादातर पैगंबर मोहम्मद ने सामाजिक संदेश देने के लिए की थी। ये जानकारी लेस्ली हेजल्टन की पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर लिखी किताब द फर्स्ट मुस्लिम से ली गई है।
क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान की लड़की ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ये सवाल पूछकर कोई गुनाह किया है, या कट्टरपंथी बेवजह हवा खड़ा कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।